पर सर जब ये पूरा हुआ जो आपने इलीगल कंस्ट्रक्शन कंगना रनावत की गिराई, मतलब उसका खुल के समर्थन हमने तो नहीं गिराई, बीएमसी ने गिराई, बीएमसी ने गिराई, ये मेरे पास नहीं है, बीएमसी के पास है। नहीं, पर आपने लिखा ना यहाँ पे वो उखाड़ दिया। हाँ तो क्या हो गया, नहीं बीएमसी ने उखाड़ दिया ना। नहीं इस पे आपको ऑटोग्राफ लेके फ्रेम करूंगा मैं, आप कर लीजिए, उखाड़ दिया इसलिए है, देखो ये सामना है, सामना के अपने स्टाइल है, करेक्ट, हेडलाइन एडिट आर्टिकल जो हम लिखते हैं सब में, अब इसलिए लोग पढ़ते हैं सोचते हैं। अब ऐसा है कि वो जो लेडी है, क्या उसका नाम, कंगना एक्ट्रेस है ना, हाँ वो एक्ट्रेस है, तो वो कहाँ से बोल रही थी कि मैं आ रही हूँ और जो उखाड़ना उखाड़ दो। ऐसा है कि एक लेडी का सम्मान रखना चाहिए, करेक्ट, बराबर, महिला का सम्मान रखना चाहिए, तो उखाड़ दिया, उसकी इच्छा थी, उसके इच्छा के अनुसार बीएमसी ने बुलडोजर चलाए, करेक्ट, उखाड़ दिया, तो जो हुआ उसका रिपोर्टिंग सामना में हुआ, उखाड़ दिया, झूठ तो नहीं है ना, तो ठीक है, आपको क्यों दुख हो रहा है? नहीं नहीं मुझे तो दुख नहीं हो रहा है, मैं रिवाइंड फॉरवर्ड करके वीडियो बहुत बार देखा, ठीक है, कर लो, दुख नहीं हुआ मेरे को, तो देखते रहो आप, मेरे को अच्छा लगा, अच्छा किया। और ये जो क्या बोलता है उसको, जेसीबी, जेसीबी उसको पद्मश्री मिलने वाला है, और नहीं समझा, करेक्ट, इलीगल काम के लिए चीजों की बहुत जरूरी होती है। पर थोड़ा कोइंसिडेंटल है ना कि वो बोल रही है और तभी हमें पता चलता है वो इलीगल है, बोली है तब पता नहीं चलता। 2018 मुंबई में ऐसे बहुत से काम है, बहुत से स्टूडियो में भी है जो जहाँ टीवी सिनेमे चलते है, वहाँ सब जगह पे इलीगल काम बहुत होता है। देखो एक कहावत है, एक सिनेमा आया था वक्त, राजकुमार, क्या है वो, शीशे के घर में रहने वाले दूसरे पर पत्थर नहीं फेंका करते, जानी, यस, करेक्ट, कुछ शीशे के घर में रह के कहां से पत्थर फेंकोगे, पत्थर तो हमारे पास है, करेक्ट, वो बाहर से फेंके जाते हैं, अंदर से भी फेंके जाते हैं, तो आप अगर आपने कुछ गलत किया है तो आप चुप बैठो, आपने बेईमानी की है ना, तो बेईमानी छुपाने के लिए आप चुप बैठो, आप हमारे ऊपर पत्थर मत फेंको, हमने आपको मदद किया है जिंदगी में बहुत बार।